Very warm welcome to all of you to self-selection board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में. ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स इन यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा टू CDS, NDA, AFCAT, INET एंड टेरिटोरियल आर्मी. अब देखिए यहाँ पर आपको ये बात समझना है कि मैंने एक पूरी की पूरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनाई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. इसके बाद हम शुरुआत करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से. देखिए ये होता क्या है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. देखिए हमारे देश में एक प्लानिंग कमीशन थी पहले, उसके ऊपर जो हेड है वो थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. अब इस एनडीसी का काम ये था मेनली कि जो 5 ईयर का प्लान प्लानिंग कमीशन ने बनाकर दिया है इसको एक बार चेक कर ले. और इसको आम शब्द में कहूं तो एनडीसी का काम ये हुआ कि प्लानिंग कमीशन के ऊपर सुपरवाइज करना. अब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1952 में और ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा लाई गई थी. मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए और इसका गठन कर दिया. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एनडीसी है इसके बारे में जिक्र हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में कहीं नहीं है, मतलब किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है. दूसरी बात ये क्योंकि ये जो हमारे प्रधानमंत्री और कैबिनेट है उन्होंने डिसाइड करके बना लिया, ये चीज पार्लियामेंट में कभी पहुंची नहीं. अब जब ये पार्लियामेंट में पहुंची नहीं तो इसे हम कहेंगे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. ये बात आपको याद रखनी है कि ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. यहां तक की बात क्लियर होने के बाद हम आगे चलते हैं. कंपोजिशन क्या है इसका. देखिए इसमें जो पीएम होते हैं वो इसके चेयरमैन एंड एक्स ऑफिशियो दोनों होते हैं. दोनों एक ही टर्म है, चेयरमैन का मतलब ही एक्स ऑफिशियो होता है, तो दोनों टर्म आपसे पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है. उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स होते हैं वो उसका पार्ट होते हैं. सीएम ऑफ यूनियन टेरिटरीज इसका पार्ट होते हैं. सीएम कौन कौन से होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, होते हैं दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दो ही जगह के सीएम होते हैं सर. एंड यहाँ पर सीएम ऑफ स्टेट्स सभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सबके सीएम यहाँ पर होते हैं, प्लस कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर होते हैं. इतनी बात आपको समझ में आ गई. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था 5 ईयर प्लान को देखने के लिए काम आता है एनडीसी, प्लस सुपरवाइज करता है प्लानिंग कमीशन पे, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस भी देता है जो जो प्लानिंग कमीशन को चाहिए होती है. इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. देखिए ऑब्जेक्टिव ये है कि इस बात को मेक श्योर करना कि स्टेट का इसमें यूज आ रहा हो, मतलब स्टेट इसमें भाग्य ले पा रहा हो और 5 ईयर प्लान उनके भी फेवर में हो. इसमें आगे चलते हैं तो इसमें एक बात और रखी गई कि जो एनडीसी होगा इस बात का मेक श्योर करेगी बैलेंस एंड रैपिड डेवलपमेंट हो रहा हो सभी पार्ट ऑफ द कंट्री में. एंड वहां पर आपके जो एफर्ट्स हैं वो मोबिलाइज हो रहे हो, जो देश के रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर तरह से इस्तेमाल हो रहे हो. एंड जो कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बहुत ही ज्यादा वाइटल रहे, यहाँ पर जो देश का काम हो रहा हो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रहा हो. अब समझते हैं फंक्शन. देखिए मैंने एनडीसी के आपको अभी तक 2 फंक्शन बता दिए. पहला है जो 5 ईयर प्लान है उसको देखना कि वो ढंग से बनाए कि नहीं बना. अब दूसरा काम था कि प्लानिंग कमीशन को सुपरवाइज करना. अब इसमें प्रॉपर से स्टेप वे में समझते हैं क्या करता है एनडीसी. सबसे पहले वो गाइडलाइंस देता है कि भाई आप 5 साल का प्लान इस फॉर्मेट में बनाओ. उसके बाद जो प्लान एक आता है एनडीसी की बात उसको रिव्यू करता है, जो उसने रिसोर्सेज लिए हैं उनको चेक करता है क्या वो सारे रिसोर्सेज सही है कि नहीं. उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेता है जो कि अफेक्ट कर सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट के थ्रू स्टेट सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर और प्रधानमंत्री. इसके बाद इसकी वर्किंग को देखता है कि यार ये काम कितना कर जाएगा नेशनल लेवल पे, और इस बात को टाइम टू टाइम भी चेक करता रहता है अगर इसे एग्जीक्यूट करा जाता है तो. एंड लास्ट में जब ये पूरा प्लान बन जाता है तो ये रिकमेंड करता है कि प्रधानमंत्री को कि सर इसे इंप्लीमेंट कर दीजिए आप और ये हमारे लिए बिल्कुल सही है. और फिर इसके एम और टारगेट को बार बार रिव्यू करा जाता है दोबारा से कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है कहीं. अब बात करते हैं 5 ईयर प्लान की, जो मैंने अभी एनडीसी के बारे में बताया था कि वो प्लानिंग कमीशन से लेता है और उसको सुपरवाइज करता है. बट इसके बीच में कुछ स्टेप्स हैं. पहला स्टेप क्या है, जैसे ही प्लानिंग कमीशन इस 5 ईयर प्लान को बनाएगा वो पहले यूनियन कैबिनेट को देगा, मतलब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे बाकी जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं उनके हाथ में देगा. वहां से अप्रूव होकर एनडीसी के पास आएगा. एनडीसी जब इसे अप्रूव कर देगा तो ये पार्लियामेंट के पास जाएगा. पार्लियामेंट से जब अप्रूव होगा तो ये ऑफिशियल प्लान बन के गेजेट हो जाएगा, मतलब इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा. अब आपको समझना है, आपसे पूछा जाएगा कि एनडीसी की हाईएस्ट बॉडी है हमारे देश में. नहीं, हमारे देश में एनडीसी कभी हाईएस्ट बॉडी रही नहीं, वो सेकेंड हाईएस्ट बॉडी रही है आफ्टर पार्लियामेंट. यहां पर आपको बात याद रखना है. और एनडीसी का अगर मोर एंड लेस मैं आपको समराइज करके बोलूं काम क्या है, तो हमारा इसका काम है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर प्लान बनाना. यहां तक आपको बात समझ में आ गई. अब यहां पर जो ये काम होता है एनडीसी का, इसमें एक और काम है कि वो रिकमेंड करता है सेंटर और स्टेट को कि साल में कम से कम आप 2 बार मिलेंगे ही मिलेंगे. आगे चलते हैं. अब बात करते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन के बारे में. देखिए एनडीसी जो है वो एक ब्रिज एंड लिंक का काम कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्लानिंग कमीशन के बीच में.
ये एक टाइप का फोरम है जहां पर सेंटर और स्टेट अपनी बात रख सकते हैं रिगार्डिंग नेशनल डेवलपमेंट। इसके बाद एनडीसी को सुपर कैबिनेट कहा गया क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री, सभी कैबिनेट मिनिस्टर प्लस प्लानिंग कमीशन के लोग प्लस सीएम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज भी यहां पर होते हैं। इसके बाद इसे रबर स्टैम्प भी कहा जाता है। रबर स्टैम्प इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर जब सारे टॉप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पीएम सीएम कैबिनेट मिनिस्टर सब हैं, तो एक बार यहां से कोई चीज ओके हो गई तो इसका मतलब यह है कि वो पास हो ही जाएगा और ये कानून तौर पे हमारे देश में लागू हो ही जाएगा और इसके तौर पे ही डेवलपमेंट होगा। अब यहां पर इस चीज का जो इस्तेमाल है सबसे वाइड लेवल पे किया था कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि तब एक समय था जब 1950 से लेके 1971 तक जब कांग्रेस ही हर जगह रूल कर रही थी, चाहे स्टेट हो और सेंटर हो। तो एक बार एनडीसी से कोई चीज पास हो गई तो इसका मतलब है पार्लियामेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है वहां पर ले जाना, और इसका मतलब ये समझिए कि पार्लियामेंट जस्ट बाईपास ही हो गया, वहां पर कोई बात की नहीं जा रही है। तो ये होता है हमारे इस टॉपिक का एंड। अब आते हैं एमसीक्यू पे। एमसीक्यू देखिए, व्हेन वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टैब्लिश, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टैब्लिश कब हुई। आंसर है इसका बी 1952। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए इनमें से कौन सी बात सही है रिगार्डिंग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो पहला ऑप्शन है ए इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ये गलत है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। बी इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी गलत है। इस चेयरमैन इज द फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी गलत है। या डी चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर इट्स मेंबर, डी इज द राइट आंसर। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। मैंने कहा था एक्स ऑफिशियो और चेयरमैन एक ही बात है, तो अगर ऐसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु गेव द फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर है डी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोटिव ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इनमें से कौन सा मोटिव नहीं है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। पहला है रिसीविंग द कॉपरेशन फ्रॉम स्टेट्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, ओके। अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर द सक्सेस ऑफ एनी प्लान, प्रमोट बैलेंस डेवलपमेंट इन द कंट्री, या डी मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर इन द सिचुएशन। डी इज द रॉन्ग आई मीन राइट आंसर, कि यहां पर हम बात नहीं करते हैं मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, इसका काम सिर्फ कानून बनाकर आपके सामने रखना है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इनमें से क्या फंक्शन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। पहला है ए इशुइंग गाइडलाइंस फॉर मेकिंग नेशनल प्लान्स, बी एस्टिमेट रिक्वायरमेंट फॉर रिसोर्सेज सजेशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्लान, सी टू इवेल्युएट द इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी अफेक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट प्लान, या डी ऑल ऑफ द अबव। देखो पहले में तो उसने कहा कि जो गाइडलाइंस बताई गई है नेशनल प्लान्स की उसको आगे फंक्शन करवाना कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं। बी में ये कहा गया है कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं या उनका रिक्वायरमेंट ढंग से लिया गया है कि नहीं लिया गया है, उस बारे में बात। एंड तीसरा है कि इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज को चेक करना कि नेशनल डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट करेंगी। तो इसका आंसर हो गया डी, सभी ऑप्शन सारे के सारे सही हैं। आगे चलते हैं। Who was the first chairman and of the National Development Council? कौन होगा first chairman हमारे National Development Council का? तो अगर आपको पता है chairman होता कौन है, इसकी authority पे कौन बैठता है, ये ex officio कौन है, तो आप इसका जवाब खट से दे दोगे, वो होगा A जवाहरलाल नेहरू। Who of the following is not the member of National Development Council? इनमें से कौन सा इंसान National Development Council का member नहीं होता, तो वो A है governor of the state। मेरे हिसाब से तो आंसर यही है, फिर भी बाकी पढ़ लेते हैं। B chief minister of the state, ये होते हैं। सी मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ये भी होते हैं। डी ऑल कैबिनेट मिनिस्टर, ये भी होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, गवर्नर ऑफ द स्टेट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर नहीं होते। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग शुड बी हेल्ड एटलीस्ट इन अ ईयर, एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कितनी बार होनी चाहिए साल में, तो वो है दो। क्या वो बाइंडिंग है? नहीं, ये बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ रिकमेंडेशन दिया जाता है एनडीसी के द्वारा कि कम से कम आप प्लीज दो बार आके जरूर मिलिए। ये होता है वीडियो का एंड। सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं एडवांस ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज या 10,000 एमसीक्यू जनरल स्टडीज बुक के द्वारा। इन दोनों बुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके साथ ये जो किताब है ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, ये भी काफी अच्छी है, ये भी एमसीक्यू ही देती है आपको सभी एग्जाम्स के, सो आप इसे भी रेफर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी किताब है, मैं खुद यूज करता हूँ इसे। और ये होता है वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद। और मेरे लिए कोई मैसेज हो तो #वाचने करके आप कमेंट बॉक्स में डालिए, I will surely reply on it. Jai Hind, bye bye. Take